नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। रविवार दिनांक 23/6/2019 सुबह 7 बजे सिटी सेंटर स्थित तारण पुष्कर स्विमिंग पूल में भीषण गर्मी में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए सुबह स्विमिंग पूल के लिए आए लोगों को दाना पानी फॉर वर्ड संस्था ने 250 सकोरों का वितरण किया। माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने वार्ड क्रमांक 16 में स्थित बिरला प्रसूति गृह में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए डिलक्स सुलभ कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन किया। यह डिलक्स सुलभ कॉम्प्लेक्स 19 लाख की राशि से निर्मित किया जाएगा। इंडिया खबर लाइव के लिए अनुप पांडे की रिपोर्ट। जब इनकी सेवा आप सही मन से करोगे तो आपको मेवा भी सही मिलेगी, और नकली सेवा करोगे तो नकली मेवा मिलेगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं अपने साथियों से कि चुनाव से पहले एक कहा गया था कि 200 रुपए बिजली का बिल आएगा। भाई उसका आदेश था कुल 1.5 किलो वाट तक की बिजली जलाओगे तो आपको 200 रुपए तक लगेगा, पर हमने तो उसमें सुधार किया है जाधव साहब कि 100 रुपए ही लेंगे हम, 100 यूनिट तक 100 रुपए लेंगे। 100 से ज्यादा ऊपर लगे जलेगी जिसकी, उस पे पैसा ज्यादा लगेगा। तो जो गरीब अपने घर पे एक पंखा एक कूलर चलाता है उसका बिल 100 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर महंत पर दर्ज मामले के विरोध में धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा पोरसा शहर का बाजार बंद कराकर रैली निकाली। SDM मुरैना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। 18 जून को अतिक्रमण हटाते समय हुई आगजनी के दौरान मृतका राजा बेटी की मौत की जांच निष्पक्ष रूप से कराकर महंत के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त किया जावे। उनके संग ये अन्याय हो रहा है, मतलब हमारे संत के संग अन्याय हो रहा है। इस मामले में कतई कैसू नहीं है। अगर मंदिर की जगह है तो मंदिर की जगह में वो जो मालिक हैं तो ये तो कहेंगे कि भाई जगह खाली करो, और मैंने खाली नहीं करी मतलब जगह, मतलब मानत की मंडल सूत्र की क्या गलती है, मंडल सूत्र की उसमें कोई गलती नहीं है। तो उसका हम ज्ञापन जो है, ये संत के जो नागाजी मंदिर के महंत जी हैं, हमारे गुरु जी, उनके चेला है मैं, पागलदास नागाजी गौशाला पोरसा, उनको जो कायमी हुई है वो तत्काल कायमी हटाई जाए, नहीं तो मैं जेल भर आंदोलन करूँगा। क्यों? ये कलेक्टर इसका अध्यक्ष है, सरकारी जमीन है, राम जानकी के नाम से है, पर इसको जो है कलेक्टर प्रशासन उठाने गया, गाड़ियां जला गई, तहसीलदार को मारा, माने इतना उनने गलत काम किया है उन लोगों ने, उनके लिए जेल होना चाहिए। और हमारे मेहनत के नाम से जो FIR हुई है अगर नहीं कटी तो मैं जेल भर आंदोलन करूंगा, और हम कुछ भी कर सकते हैं। महाराज जी के खेत में मंदिर की जमीन में अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रशासनिक मामला मैं पुलिस बल के गया, प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने में राम अवतार ने स्वयं अपनी झोंपड़ी में आग लगाई, इसलिए कि हमारा कब्जा भविष्य में इस जमीन पर बना रहे, और उसने ही अपनी पत्नी को प्रेरित किया उसमें कूदने के लिए। एक वीडियो भी आया तो उसने अपनी बच्ची को उसमें फेंका, जिसको एक सज्जन ने जो है बचा लिया है। उसके बाद भी जब रिपोर्ट आई है तो उसमें महाराज जी के नाम जो है प्रकरण दर्ज किया है, इसमें हरिजन भी और पानी भी कई धाराएं थी। आज हम क्षेत्र के सभी लोग महाराज जी निर्दोष हैं, महाराज जी पर लगाए हुए आरोपों के निवारण में 18 तारीख 20 को भी सभी क्षेत्रीय जनों ने थाना पोरसा में ज्ञापन दिया था, मांग की थी कि इसकी उच्च स्तरीय प्रकरण की जांच करके महाराज जी पर लगाए सभी आरोप निरस्त किए जाए। नगर के रावट संगज कोतवाली के अंतर्गत नगर में कबाड़ की दुकानों पर धड़ल्ले से पुरानी गाड़ियों की कटिंग का कार्य संचालित किया जा रहा है। इन कबाड़ माफियाओं द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेखौफ तरीके से वाहन कटिंग कार्य किया जा रहा है। परिवहन विभाग बगैर परमिशन वाहन स्वामी द्वारा अपनी वाहन गाड़ी कबाड़ में बेच रहे हैं। सोनभद्र से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।